इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। Thank you.
महानुभाव भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कबीराज ने महावीर अष्टक स्तोत्र को लिखा और महावीर अष्टक स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने भगवान के गुणों की आराधना की, भगवान के स्वरूप को बताया और हमें और आप सभी को भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों से जोड़ा। हर पद में एक बात आती है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में भवतु ना, कि भगवान महावीर स्वामी मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए क्या हो, नयन पथगामी हो, कि उनके नयन हमारे नयन हमारे पथ को अनुगमन करने वाले हो, उनके पथ का अनुगमन करने वाले हो और जो भगवान महावीर स्वामी का पथ था उस पथ पर हम चलने का प्रयास करें। भगवान महावीर स्वामी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी वे जीव हुए जो त्याग के महात्याग के माध्यम से वीर बने, त्याग की महिमा से उन्होंने वीरपना प्राप्त किया। यूं ही भगवान महावीर स्वामी महावीर नहीं बने बल्कि भगवान महावीर स्वामी त्याग के द्वारा भगवान महावीर स्वामी बन पाए। आपने नाटिका में देखा होगा जब नाटिका मंचन होता है तो भगवान महावीर स्वामी की नाटिका को दर्शाते हुए एक दृश्य दिखाया जाता है, कौन से भील का, पुरर्वा भील आता ना, पुरर्वा नाम का भील था। ये कहानी कितनी सत्य है कितनी असत्य नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उस भील ने त्याग किया था किस चीज का, संपूर्ण मांस का नहीं, संपूर्ण मांसाहार का त्याग नहीं किया था, क्या त्याग किया था, कौवे के मांस का। विचार करिए कि जो मांसाहारी जीव है और वह संपूर्ण मांस का त्याग नहीं कर रहा, सिर्फ कौवे के मांस का त्याग कर रहा है, वह भी आगे जाके महान व्यक्ति बन सकता है। तो आप तो सब कुछ त्याग कर रखे हो, शाकाहार का पालन करते हो, समय समय पर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं है। तो कहते हैं जिस तरह से दूध जब डायरेक्ट आता है एकदम स्वच्छ होता है, लेकिन दूध में जब पानी मिल जाता है तो मिलावट हो जाया करती है, और दूध में पानी मिल जाता है तो कहते हैं कि आजकल दूध से पानी निकालने की मशीन भी आ गई है, पानी छाटने की मशीन भी आ गई है, बता देते हैं कि कितना परसेंट इसमें पानी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान की भक्ति करना है तो दूध में पानी जैसे मत मिलो, बल्कि भगवान की भक्ति करना है तो दूध में शक्कर के जैसे मिल जाओ, कि दूध में जब शक्कर मिलती है तो पता नहीं चलता कि कौन सा शक्कर है कौन सा दूध है, क्योंकि दूध से शक्कर निकालने वाली मशीन आज तक उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन दूध से पानी मिलाने निकालने वाली मशीन तो उत्पन्न हो गई। तो भगवान महावीर स्वामी यदि ये चैतन्य मुकुर भावास्तिचा समम भ्रांति द्रव्यम बेजलन संतोत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव्यो महावीर स्वामी। जगत साक्षी, आपको ध्यान रखना है, साक्षी किसे कहते हैं, साक्षी किसे कहते हैं, अग्नि की साक्षी पूर्वक नियम ले रहा हूं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक ले रहा हूं, मतलब सामने उनको सामने रखकर उनको मानकर। कहते ना कि कई लोग कहते हैं कि जल को साक्षी लेकर मैं काम कर रहा हूं, इसी तरह से जीवन में अनेकों अनेक वस्तुएं हैं जिनको हम प्राप्त भी कर सकते हैं और जिनको हम छोड़ भी सकते हैं, जो ग्रहण करने योग्य भी हैं और जो त्याज्य योग्य भी हैं। जिनको हम यदि ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में से अज्ञानता का नाश हो जाएगा
और जिनको हम छोड़ देंगे उनसे भी हमारे जीवन में अज्ञानता का नाश हो जाएगा। क्या ग्रहण करना है? तो आचार्य कहते हैं कि जो देवशास्त्र गुरु महाराज आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हैं, वस्तु स्थिति का भान कराते हैं, उन सबको सुनकर चुनकर अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। अभी 17 तारीख को आपने दीक्षा का दृश्य देखा। आप सोचिए, नोएडा शहर में 25 साल से जिन मंदिर बना हुआ है, यहां पर अनेक संतों के चतुर्मास होते ही हैं, आपके यहां पर अनेक बड़े बड़े विधान के आयोजन भी होते हैं। हो सकता है कि यहां पर कई सारे द्रव्य दाता रहो, कई सारे दान दाता रहो, कई सारे लोगों ने मंदिर का निर्माण करा दिया हो, कई सारे लोगों ने मुनियों के आहार विहार की व्यवस्था में बहुत सारा दान भी दे दिया हो, कई सारे लोगों ने जिनवाणी का प्रकाशन भी करा दिया हो, कई सारे लोग हो सकता है कि प्रतिमाधारी सूजल के त्यागी रात्रि भोजन त्यागी मिल जाएंगे, लेकिन आपके हजारों लोगों में लाखों लोगों में एक भी व्यक्ति मनमानस बना के बैठता है कि मैं भी कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में दीक्षा को धारण करूं, क्योंकि मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान करना है तो किसी वस्तु का त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि थोड़ा सा द्रव्य खर्च करना पड़ता है, लेकिन प्रतिमा जैसा बनना है तो आपको अपने अंदर की प्रतिभा को जगाना पड़ता है, और जिस व्यक्ति की प्रतिभा जग जाती है वह प्रतिमा बने ना बने लेकिन प्रतिमा में सूर मंत्र देने वाला व्यक्ति अपने आप बन जाता है, क्योंकि प्रतिमा को सूर मंत्र कौन देगा? कौन देगा? महाराज देंगे। आप प्रतिमा करोड़ों रुपए खर्च करके ले आओ, लेकिन प्रतिमा को पूज्यता कौन देंगे? जो पूज्य है। भगवान की प्रतिमा पूज्य भी जब बनती है, जब उस पर सूर मंत्र दिया जाता है, उसके ऊपर जब संस्कार किए जाते हैं, उसके ऊपर जब व्रत रोपण किया जाता है, जब वह प्रतिमा पाषाण की नहीं रहती बल्कि जन जन के लिए पूज्य बन जाती है, और उन प्रतिमा को सबसे पहले नमस्कार कौन करता है? कौन करता है? जो सूर मंत्र देते हैं वही सबसे पहले नमस्कार किया करते हैं, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि प्रतिमा पाषाण की रहती है, लेकिन वो पाषाण की नहीं, परमात्मा की उसमें भाव निहित हो जाते हैं। तो बताना चाह रहा हूं कि प्रतिमा को सूर मंत्र देने के लिए पूज्य पुरुष चाहिए, और दुनिया में पूज्य पुरुषों के साथ में चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पूज्य मनने वाले बहुत कम लोग हैं। आपसे कहा जाए कि इस महावीर भगवान के मुक्तांग महोत्सव पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा, और पहला लड्डू उस व्यक्ति को चढ़ाने का अवसर मिलेगा जो ये संकल्प करे कि हमारे घर से कोई ना कोई मुनि महाराज बनेंगे। कितने लोग नाम लिखाएंगे अपने? बोले महाराज जी बात समझ में नहीं आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात चलती ना कि बोले बोली लगती है, ये होता है, चलो इस बार ऐसे ही सही, इस बार के सारे लड्डू सारी शांति जरा सब कुछ उन व्यक्ति को दिए जाएंगे जिनके जो व्यक्ति संकल्प करे, चलो मैं नहीं मेरे परिवार से कोई ना कोई संत बनेगा। मुश्किल काम है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि महाराज हमारे घर से संत क्या बनेंगे, हम तो ये चाहते कि हमारे घर से संतों की सेवा करने वाले व्यक्ति बन जाए तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत जब बनेंगे मालूम नहीं, निर्गंथ जब बनेंगे मालूम नहीं, लेकिन संत ना बने निर्गंथ ना बने, लेकिन जो निर्गंथ हैं संत हैं उनकी सेवा करने का प्रयास तो आप कर सकते हो। इतना भी आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज इस संसार में किसी को मैंगो जूस पसंद है, किसी को करेले का जूस पसंद है, किसी को टमाटर सूप पसंद है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इस समय कौन सा रस चल रहा है तो कौन सा रस चलता है? मैंगो जूस, देखो आम का रस है, नींबू का रस है, करेले का रस है, टमाटर का रस है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए कि लोगों को कौन से रस में आनंद आता है तो कौन सा रस है आपके पास? भक्ति वाले 20 आदमी होते हैं क्या? आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन से रस में आनंद आता है तो सबसे ज्यादा 100 में से 80 लोगों को निंदा रस में आनंद आता है। दूसरों की निंदा करो, धर्म की निंदा करो, देवशास्त्र गुरु की निंदा करो, सबसे ज्यादा चल रहा है
निंदा रस चल रहा है। और ये जो लोग निंदा करते हैं वह अपने कर्मों का बंध करते हैं और कहते हैं कि जो देव शास्त्र गुरु के बारे में इधर उधर की बातें सोचता है उसको निकृष्ट गति का बंध होता है, निकृष्ट नीच गति का बंध हो जाता है। अरे तुम कर नहीं सकते, मत करो, जो कर रहा है उसे तो करने दो। बचपन में एक दर्द बहुत होता था लोगों को, कौन सा दर्द? जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता था तो कौन सा दर्द होता था शरीर में? पेट दर्द। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भक्ति करने वाला कर रहा है, करवाने वाला कर रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? अरे करने वाला कर रहा है, करवाने वाला कर रहा है, विधान करने वाला कर रहा है, पूजन करने वाला पूजन कर रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? और पेट में दर्द होगा तो गैस की बीमारी हो जाएगी, वायु की बीमारी हो जाएगी, पित्त ज्वर हो जाएगा। इसलिए भैया मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कर्म है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो कर रहा है, करने वालों की आलोचना करना ये महापाप है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।